Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. ने एक नारा दे दिया है कि भाई जो देगा हमें चंदा हम उसे देंगे धंधा, और जो नहीं देगा चंदा उसको हम ईडी का देंगे डंडा। तक लोकसभा एक हॉट सीट मानी जा रही है और बीजेपी अभी तक अपना कैंडिडेट नहीं उतार पा रही है। बीजेपी छोड़ रही है रोहतक जेजेपी के लिए, जेजेपी रोहतक के नाम से गठबंधन ही छोड़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा के समय रोहतक के रेलवे रोड पर हैं, जहां पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अपना घर टू घर जो अभियान है उसकी जो मुहिम है वो चलाई हुई है, और लगातार जो है रोहतक झज्जर के शहरों में जा जाके वो घर घर जो है अभियान जो कांग्रेस का है उसके तहत लोगों से मिल रहे हैं। और आज रोहतक के जो रेलवे रोड है यहाँ पर वो आए हुए हैं, और यहाँ पर जो दुकानदार हैं व्यापारी हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो उनके कार्यकर्ता जो समर्थक हैं वो काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं, और दीपेंद्र हुड्डा जो है लोगों से बात कर रहे हैं और अपने प्रचार यहाँ पर उन्होंने शुरू कर दिया है। और आज चुनाव आचार संहिता जो लग गई है और हरियाणा का जो मतदान है वो 25 मई को होने वाला है। हमारे साथ जो बात करने की कोशिश करेंगे हुड्डा साहब, आज चुनाव प्रचार चल रहा है आप लोगों का, किस तरह देखते हैं? देखिए, हमारा लगातार जैसे आप देख रहे हैं पिछले 5-6 महीने से ही चल रहा है। हमारा पहले घर घर कांग्रेस था, और उसके बाद हमारा जो है ये हाथ से हाथ जोड़ो कांग्रेस था, और अब घर घर कांग्रेस पिछले 6 महीने से ही चल रहा है, डोर टू डोर संपर्क। और हम एक एक अपने जो मतदाता है उसके पास जाकर कि भाजपा सरकार जो एक ऐसी सरकार आई है जिसने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार के बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, महंगाई में, बेरोजगारी में, अपराध में देश में नंबर 1 पटरी से उतार दिया हरियाणा। आज हरियाणा में बदलाव की जरूरत है, आज हरियाणा दोबारा विकास खुशहाली की तरफ आगे बढ़े, ये हमारी कांग्रेस पार्टी का संदेश है। और ये भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर पहुँच गया देश, आपने देखा होगा कल मैं एक बात आपकी उसमें भी रह गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो वैसे करनी थी आज कवर, आपने क्वेश्चन नहीं पूछा सुरेंद्र जी कि वो आप जान के नहीं पूछा है क्या बात है। आपने वो इलेक्टोरल बॉन्ड का आपने इशू देखा हो, वो इलेक्टोरल बॉन्ड का एक बड़ा भारी एक ऐसा इशू आया है जिसमें मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार का सरकारीकरण और संगठित भ्रष्टाचार, बीजेपी ने एक नारा दे दिया है कि भाई जो देगा हमें चंदा हम उसे देंगे धंधा, और जो नहीं देगा चंदा उसको हम ईडी का देंगे डंडा, ये बीजेपी ने एक नारा दे दिया। तो अपना आज ये अपना ये स्थिति आ गई देश में, और एक नारा था काला धन लाएंगे 15 लाख सबके बांटे आएंगे, अब ये आ गया काला धन ही लाएंगे, कंपनियों से काले धन की कंपनी कोई पकड़ी जाएगी तो उससे बीजेपी को चंदा दिलाएंगे, और बाकियों के खाते पता नहीं मगर बीजेपी के खाते अरबों रुपये आएंगे। आप ये अंदाजा लगाएं, वैक्सीन वाली कंपनी को बीजेपी को चंदा देना पड़ा, कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी को करना पड़े वो बीजेपी को चंदा दे, किसी का ईडी का कोई रेट पड़ जाए वो बीजेपी को चंदा दे, यहाँ तक कि जिन मुल्कों से हमारे अच्छे संबंध नहीं है उन मुल्कों के भी कंपनियां बीजेपी को चंदा दे रही, तो ये क्या समझा जाए जो है ये अच्छी बात नहीं है। चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों की कंपनियां बीजेपी को क्यों चंदा दे रही हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये मैं समझता हूँ। देश किसी पार्टी से नहीं, देश सबसे सर्वोपरि जो आया है उसमें जिस तरह से खामियां हैं वो रह गई हैं कुछ जी, जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड आया था उसमें कुछ डाटा आपको याद होगा 2017 में मैंने संसद में, नमस्ते अंकल, ठीक है अंकल, हाँ जी अंकल आपके साथ रहेंगे, ना ना आशीर्वाद अंकल आपका, अंकल आशीर्वाद देना कोशिश कर रहे हैं कि भाई दोबारा आशीर्वाद का हमारा नमस्ते साहब। अच्छा 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 दादा क्या बात है, इनका भतीजा ये मेरा क्लासमेट था यार, लोगों से संपर्क अभियान है, लोगों से मिल रहे हैं और उनसे लगातार जो संपर्क किया जा रहा है कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगने के लिए, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से यहाँ बीजेपी ने जो दीपेंद्र हुड्डा को शिकायत दी तो इस बार पूरी तैयारी के साथ रणनीति के तहत वो एक आज चुनाव आचार संहिता लागू होगी उसको लेकर क्या? अब ये चुनाव आचार संहिता के बाद इसका सख्ती से पालन किया जाए, आज से हम भी और सरकारी भी सरकारी लोग भी बराबर है जो सरकार में, इस बात का ख्याल मीडिया आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग पैनी नज़र रखें क्योंकि ये सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, पिछली बार भी मैंने अपने लोकसभा चुनाव में देखा था, हम भी ये पैनी नज़र रखेंगे। आज से जनता को मैं कहना चाहूँगा कि आचार संहिता का ये है कि सारे बराबर होते हैं, आज से कोई विपक्ष नहीं कोई पक्ष नहीं, अलग अलग पार्टियों के कैंडिडेट हैं,
आज से ये चुनाव आचार संहिता का वो रोहतक लोकसभा एक हॉट सीट मानी जा रही है और बीजेपी अभी तक अपना कैंडिडेट नहीं उतार पा रही है। देखिए ये तो मैंने बताई दिया, इसका जवाब आपको दे दिया था अच्छे से, लेकिन किस तरह का समर्थन मिल रहा है लोगों को? ये आप रिपीट क्वेश्चन कर, ये स्पेशल है ना। देखो आखिरी कर दूं, ये आखिरी। देखो रोहतक लोकसभा सीट में आपने देखा होगा आखिरी, देखो इसमें आपका वो ये रिपीट है मगर आखिरी। रोहतक लोकसभा सीट का आपने देखा होगा, दो दिन पहले इनका जेजेपी बीजेपी का गठबंधन टूटा तो दुष्यंत चौटाला की स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि बीजेपी के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा कि हम रोहतक छोड़ते हैं आपके लिए, यानी कि दुष्यंत चौटाला के लिए। अरे भाई हम रोहतक दुष्यंत चौटाला के लिए छोड़ते हैं और आप यहाँ से लड़ो। और दुष्यंत का फिर यह है कि मैं गठबंधन ही छोड़ता हूँ रोहतक का नाम सुन के। बीजेपी छोड़ रही है रोहतक जेजेपी के लिए, जेजेपी रोहतक के नाम से गठबंधन ही छोड़ रही है, लेकिन जब तक आखिरी सांस रहेगी तब तक रोहतक के लोगों का आशीर्वाद हम नहीं छोड़ेंगे, मैं नहीं छोड़ सकता। ये अपनेपन की फर्क की बात है, ये आज मैं समझता हूँ कि ये लोग भी समझ रहे हैं।